तो गाइस फिर से आपका स्वागत है दूसरे वीडियो के अंदर। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3E के बारे में, राइट। देन आपको इस 3E के बारे में वो डिटेल्स के अंदर समझाने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच करना। अगर आपने इस कंप्लीटली वॉच नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि गाइस किसी भी बिजनेस, किसी भी स्टार्टअप और किसी भी पैशन के लिए आपको इस 3E को फॉलो करना पड़ेगा। आप जिस जो कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई सा भी बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको इस 3E को समझना पड़ेगा। और अगर आपने इस 3E को समझ लिया तो आप डेफिनेटली अपने बिजनेस के अंदर बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ग्रो कर पाओगे, राइट। तो अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। अगर आपने इन 3E को समझ लिया ना गाइस, तो रियलिटी के अंदर आप अच्छे से खासा बिजनेस ले जाएंगे और आप इस बिजनेस के अंदर अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। क्योंकि गाइस ये जो है इंपॉर्टेंट होते हैं हर बिजनेस के लिए, हर गोल के लिए अचीव करने के लिए आपको ये तीन फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। तो हम तीनों को जल्दी से जल्दी समझ लेते हैं कि क्या ये तीन है जिसकी वजह से हम बिजनेस के अंदर और जल्दी से फास्ट ग्रो हो सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट की, राइट। देखो कोई भी बिजनेस है, कोई भी चीज़ है ना, आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जिस किसी सेक्टर के अंदर रह रहे हैं ना, जिस किसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर आपका इन्वायरमेंट बहुत ख़राब है, तो आप बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं हो सकते। क्योंकि गाइस आपका जो फर्स्ट जो जड़ है वो है आपका इन्वायरमेंट। क्योंकि इन्वायरमेंट जैसा होगा ना सर, आपको मैं एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, अगर आप जो बिजनेस कर रहे हो, राइट, आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, तो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आपसे नहीं होगा, आपको वो नहीं करना, वो होगा आपको, वो होगा वो होगा आपको, अगर नेगेटिव कर रहे हैं, हर चीज़ से नेगेटिव कर रहे हैं आपको, मतलब गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सर बिजनेस के अंदर ग्रो हो ही नहीं सकते। क्योंकि आपका इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ है कि आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, राइट। तो आपको पहले इन्वायरमेंट चेंज करने की ज़रूरत है सर। आप जिस किसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मैं आप इस इन्वायरमेंट में रह के अपने आप को नहीं चेंज कर सकता, तो आप इन्वायरमेंट चेंज कीजिए सर। क्योंकि जहाँ कभी आप ऐसे सेफ इन्वायरमेंट में जाइए जहाँ से आप ग्रो हो सकें, जहाँ पर आप बिजनेस को फोकस कर सकें, जहाँ पर अपने गोल्स के ऊपर फोकस कर सकें, उस ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जाइए, राइट। देन उसके बाद है एजुकेशन। अगर आपने इन्वायरमेंट चेंज कर लिया है और अगर आप एक सेफ इन्वायरमेंट के अंदर हैं, अगर आप घर के अंदर हैं और आपको लग रहा है कि मैं एक सेफ इन्वायरमेंट में हूँ, मेरे आसपास में अच्छे मतलब पब्लिक है, राइट, तो आप एक प्रॉपर तरीके से एक सेफ इन्वायरमेंट के अंदर है। अब आपको सेकंड जो करना है वो है एजुकेशन। आप जिस इन्वायरमेंट के अंदर हैं, अब इन्वायरमेंट तो चलो ठीक है, लेकिन एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। आप जो कोई काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसके लिए आपकी एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। क्योंकि गाइस इन्वायरमेंट तो चलो ठीक है हो गया, लेकिन एजुकेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो भी इन्वायरमेंट है आपका, उसके साथ में आपकी एजुकेशन होगी ना, तो ही आप उस बिजनेस के अंदर ग्रो हो पाएंगे। क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपने बिजनेस के साथ साथ आपने इन्वायरमेंट भी चेंज कर लिया। अब इन्वायरमेंट तो चेंज कर लिया पर, लेकिन बिजनेस को करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको एजुकेशन पर फोकस करना पड़ेगा। आपको जहाँ कहीं पर भी एजुकेशन मिलती है वहाँ पर आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, राइट। देन अगर आपने एजुकेशन के ऊपर भी फोकस कर लिया, तो आपका लास्ट जो है वो है एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस ही मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एक्सपीरियंस है यही आपको अपनी लाइफ के अंदर ऊंचा उठाने वाला है, राइट। देन ये एक्सपीरियंस ही आपको अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करेगा, आपके बिजनेस के अंदर आपको हाईएस्ट इनकम तक लेके जाएगा। क्योंकि गाइस ये जो है ना वो बहुत ठोकरे खाने के बाद मिलता है। आपने देखा होगा मुकेश अंबानी, बड़े बड़े जो मतलब इनकम सोर्सेज बिल्ड करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की वजह से आज वहाँ पर टिके हुए हैं। क्योंकि गाइस उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने हर चीज़ को करके फिर देखा है, तो उनके पास में आज वो उस स्तर पर है। तो हमें भी अपने एक्सपीरियंस को सीखना पड़ेगा। इस एक्सपीरियंस को वैल्यू दी जाती है हर जगह पर। अगर आपने जॉब की होगी ना, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि एक्सपीरियंस वाले बंदे को बहुत ज़्यादा अधिक सैलरी दी जाती है, राइट। तो बस वही एक्सपीरियंस है कि अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है ना सर, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो आप उस चीज़ को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसने पहले कर चुके हो या फिर उस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है, राइट। तो आप इस चीज़ को अगर आप कर लोगे ना, तो बहुत अच्छे से और बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो हो पाओगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करें। इन चीज़ों को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया गाइज, तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को यूज़ करके अपने बिजनेस के अंदर, अपने स्टडी के अंदर, जो भी कोई काम कर रहे हो, आपने जिस पैशन के साथ में आप जो काम कर रहे हो ना, उस पैशन के साथ में आपने जो सपने हैं उसको जल्दी पूरे कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइज अगर अभी तक अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए लाल बटन पर क्लिक करके, और इस वीडियो को जितने लोगों को तक आप शेयर कर सकते हैं, अपनी टीम के साथ में शेयर कर सकते हैं, उन लोगों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इन चीज़ों को समझ सकें और सीख सकें और अपने गोल के ऊपर फोकस कर सकें। बाकी गाइज हम मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए। टेक केयर एंड विश यू वेरी वेल। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ।